70 बस आदमी किशनगंज से जो आ रहे हैं उनको 0 माइल पर पुलिस रोक दी है। 70 से 80 बस आदमी गुलाब बाग 0 माइल पर आपने रोक दिया है बस को। हजारों लोग पैदल चलकर कैसे आएंगे? नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमीर सिंह। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर पूर्णिया से सामने आ रही है। पूर्णिया में भाजपा ने बिहार पुलिस पर बड़ा आरोप लगा दिया है। आपको मालूम होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज पूर्णिया में रैली होने वाला है। कुछ ही देर में अमित शाह पूर्णिया पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन भाजपा ने बिहार पुलिस पर, पूर्णिया के एसपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। बीजेपी के एमएलसी दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया एसपी पर यह आरोप लगा दिया है कि जो बस आ रही थी, बस में जो समर्थक आ रहे थे रैली में शामिल होने के लिए, 70 बसों को एसपी ने रोक दिया है। देखिए दिलीप जायसवाल खुले मंच से क्या कुछ पूर्णिया के एसपी पर आरोप लगा रहे हैं, पहले देखिए। लोगों को के द्वारा फोन किया गया कि करीब 70 बस आदमी किशनगंज से जो आ रहे हैं उनको 0 माइल पर पुलिस रोक दी है। अब 0 माइल से कोई, गुलाब बाग 0 माइल से कोई पैदल यहां कैसे आएगा? आरक्षी अधीक्षक महोदय, सरकार के इशारे पर ऐसा मत कीजिए। आरक्षी अधीक्षक पूर्णिया, सरकार के इशारे पर ऐसा मत कीजिए। 70 से 80 बस आदमी गुलाब बाग 0 माइल पर आपने रोक दिया है बस को। 0 माइल से इतने चिलचिलाती धूप में हजारों लोग पैदल चलकर कैसे आएंगे? इसका तो आपने देखा कि दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा कि रैली में लोगों को नहीं पहुंचने देने चाहते हैं जो पूर्णिया के एसपी हैं, इसलिए उन्होंने 70 बसों को शहर से बाहर रोक रखा है और जो लोग हैं वो पैदल भी आ रहे हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि अमित शाह की रैली में समर्थकों को आने से रोका जा रहा है। यह आरोप लगाया गया है बीजेपी के तरफ से कि जो पूर्णिया के एसपी हैं उन्होंने समर्थकों को, बीजेपी के जो समर्थक हैं उन्हें रोक दिया है कि वो अमित शाह की रैली में शामिल ना हो सके। आपको बता दें कि कुछ ही देर में अमित शाह रैली को संबोधित करने वाले हैं, पूर्णिया थोड़ी देर में ही वो पहुंचने वाले हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि रैली में जो है समर्थकों को आने से रोका जा रहा है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।